Wanna see the stars shine down, and I know what can not girl yeah, you are. Still loving me, and I love you, babe. The way I see you stare at me, your eyes and lips all over me. It's me into my fantasies of loving you. So years and years, so years so and years. हेलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग वेलकम इन स्टाइलिश प्रिंसेस और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ये प्यारा सा रेड मेकअप जो आप रेड ब्लैक ग्रीन किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हो बहुत खूबसूरत लगने वाला है पेयरअप किया है इसको मैंने गोल्ड ज्वेलरी और रेड गाउन के साथ जी हाँ बहुत प्यारी ज्वेलरी है ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो ज़्यादा बातें ना करते हुए तो यहाँ पे मैंने अपनी आईब्रोज़ को ऑलरेडी फिल कर रखा है तो अब हम अपना फ़ेस प्रिपेयर करेंगे फेस प्रिपेयर करने के लिए हम लेंगे विटामिन सी और उसके साथ में लूँगी रोज रोज़ शीड ऑयल जो इल्यूमिनेटिंग सीरम है दोनों को मैं अच्छे से मर्ज कर लूँगी मॉइस्चराइजिंग इज़ मस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब लिए चाहे वो ऑयली स्किन हो चाहे वो हो ड्राई स्किन मॉइस्चराइजर लगाने से आप का मेकअप बहुत अच्छा होता है और काफ़ी देर तक टिकता भी है जी हाँ और आपका मेकअप जो फटाफटा -फटा हो जाता है ना वो भी नहीं होगा अगर आप अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं तो ये हो गया इसके बाद मैंने लगाया प्राइमर आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर पर्पल का ये फाउंडेशन है ट्रस्ट मी फ्रेंड्स बहुत अच्छा फाउंडेशन है बहुत ही ब्लेंडेबल है और अफोर्डेबल ही भी है साथ में कवरेज भी इसकी बहुत अच्छी है तो ये देखिए मैंने कर लिया ब्लेंड और इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं इसको पाउडर से सेट कर लूँगी आफ्टर दैट आई एम यूजिंग है द ब्लू हेवन आई शेडो पैलेट ट्वेल्व कलर पैलेट है बहुत अच्छी है और एज वेल एज अफोर्डेबल भी है इसके साथ इसको मैं पिंक कलर इसमें से लेकर के अपने आईलिड पे पूरे पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक ब्लैंडिंग ब्रश के थ्रू तो इसको अच्छे से ब्लेंड करना है दोनों आँखों पर मैं ये पिंक कलर को एज ए ट्रांसलूशन शेड ही यूज़ कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा इस जो मेकअप है मैंने बहुत ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करें हैं इसके अंदर अभी आप जब देखोगे तो आप देखते देखते सीख जाओगे और अगर आप ये ट्राई करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने मेकअप ट्राई करा और कैसा हुआ तो अपनी आँख के अनुसार जो भी आ आपका आँख का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आप इसको ब्लेंड कर लीजिए अपनी पूरी आँख में ऊपर लाइट 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 आते आते नीचे नीचे तक डार्क हो जाता है तो दोनों आँखों में इसको अच्छे से कर लूँगी मैं ब्लेंड आफ्टर दैट मैं यूज़ करूँगी एक छोटू से ब्लैंडिंग ब्रश से इसी आई शेडो पैलेट में से एक ग्रे शेड जो मैं अपने जो मेरी आईलिड है जो मेरी क्रीज लाइन है उसको शेप देने के लिए तो इसको मैं अच्छे से कर लूँगी क्रीज़ लाइन पे अपने फ़िक्स और फिक्स करके मैं ब्लेंड कर लूँगी बहुत थोड़ा सा लगाना है बहुत थोड़ा सा हमें रेड के अलावा कोई और कलर शो नहीं करना इट इज़ जस्ट फॉर इल्यूज़न और जस्ट फॉर क्रिएटिंग अ क्रीज लाइन तो आपको बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है देखिए बिल्कुल पता भी नहीं लग रहा है कि मैंने ग्रे कलर लिया था अब मैं एक पेंसिल ब्रश के थ्रू रेड आई जो आई शेडो है उसको अपनी आँख पे एज अ लाइनर की तरह लगा रही हूँ थोड़ा सा मोटा आपको लगाना है दोनों आँखों पे अगर आपका ये आई शेडो इस तरह से सूखा ना लगे तो आप इसको थोड़ा सा मेकअप फिक्सर से ब्रश को गीला कर लीजिए और उसके बाद आप इसको लगा लीजिए ये बहुत प्यारा लगेगा देखिए लगाने के बाद अब मैं इसको करूँगी ब्लैंड जी हाँ ब्लेंडिंग इज़ मस्ट इन एवरी मेकअप तो इसको मैं पिंक जो मेरा ब्रश जिससे मैंने पिंक कलर लगाया था उसी ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी जिसके जिससे इसके जो एजेस हैं वो थोड़े से ब्लेंड आउट हो जाए स्मोकी हो जाए तो वो हार्श ना लगे इसको ब्लेंड करने के बाद मैं लगाऊंगी आई लाइनर इसके ऊपर और इसी कलर को मैंने नीचे आँखों पर नीचे भी लगा लिया है तो आईलाइनर में आज विंग आईलाइनर लगा रही हूँ आँखों पे अपने और विंग आईलाइनर लगाने के बाद मैं इसको भी अच्छे से स्मोक आउट करूंगी देखिए विंग आईलाइनर मैंने लगा लिया है स्मोक आउट करने से आपका मेकअप हार्श नहीं होता है बहुत सुंदर मेकअप दिखता है जब आप इसको स्मोक आउट कर लेते हैं ब्लेंड कर लेते हैं और जो ब्लैंड ब्लेंडेबल मेकअप जो होता है वो इतना प्यारा दिखता है दे, देखने में आपको भी और देखने वाले को भी क्योंकि ना उसका अंत पता चलता है ना शुरुआत पता चलती है आपस में सब घुला मिला होता है तो बहुत सुंदर दिखता है तो ये देखिए मैंने उसी पिंक ब्रश से मैंने इसको अच्छे से कर लिया है ब्लेंड दोनों आँखों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और ब्लेंडिंग के बाद ये बहुत खूबसूरत लगने वाला है आफ्टर दैट एम यूजिंग फेवरेट हिमालय काजल आपको किसी भी स्टोर पर मिल जाएगा हाफ ऑफ द आई मैं इसको लगाऊंगी और उसके बाद उसी छोटू ब्रश से मैं इसको ब्लेंड करूंगी पिंक कलर हमने ऑलरेडी अपनी आंखों पे नीचे लगा ही रखा था तो हमें बार बार उसको लगाने की जरूरत नहीं है काजल के नीचे पिंक कलर हमारा दिखेगा और इट विल लुक सो प्रिटी तो पूरी आँखों पे मैंने इस काजल को अच्छे से फैला लिया है स्मोक कर लिया है अब मैं एक वाइट शेड इसी में से लेकर के अपनी आँखों को जो हाईलाइट पॉइंट है उन पे लगा रही हूँ आफ्टर दैट यूजिंग मस्कारा मस्कारा इज़ जरूरी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है मस्कारा अगर आप फॉल्सिस नहीं लगा रहे हैं तो आप मस्कारा के पाँच छः कोट लगाइए आपको फॉल्सीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना आई एम यूजिंग द सेम पर्पल फाउंडेशन पहले मैं इसको एक कोट बहुत थोड़ा सा लगाऊंगी गाइज ये सच में बहुत थोड़ा सा लगता है और कवरेज इसकी बहुत अच्छी है वैसे ये मीडियम कवरेज में आता है जो आपके uh, अगर चेहरे पे जो डिसकलरेशन है उसको छुपाने के लिए या थोड़ा सा मेकअप इन्हांस करने के लिए आप इसको दो बार लगा लीजिए देखिए मैं यहाँ पे दो बार लगा रही हूँ तो ये फुल कवरेज फाउंडेशन हो जाता है ये बहुत थोड़ा थोड़ा लगता है थोड़ा थोड़ा इस लग के ही ये बहुत अच्छे से फैलता है ब्लैंडिंग बहुत अच्छी है इसकी इट्स लाइक like कि इसमें कोई जैसे हम फेस पे कोई ऑयल लगा रहे हो लेकिन उसके उसके बावजूद भी ये मैट फिनिश देता है तो फाउंडेशन इज़ वेरी गुड तो यहाँ पे मैं अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंड करने के बाद मैं इसे पाउडर से सेट कर लूँगी पाउडर मैंने यहाँ पे पर्पल का ही लिया है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी सो डोंट वरी अबाउट द लिंक ये देखिए मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और एक बार दोबारा मैंने इसको लगा लिया था और अच्छे से उसको ब्लेंड कर लिया दो बार लगा करके जिससे फुल कवरेज फाउंडेशन बन गया है आप अपने किसी भी फाउंडेशन के साथ ये ट्रिक कर सकते हैं एक बार पहले आप उसको थोड़ा सा लगाइए और उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए जी हाँ बहुत अच्छे तरीके से फुल कवरेज फाउंडेशन ये आपका बन जाता है ब्लैंडिंग बहुत ज़रूरी है यार जब तक आप अच्छे से ब्लैंडिंग नहीं करोगे ना मेकअप में वो जान नहीं आती नाउ आई एम यूजिंग द हाइलाइटर और कंसीलर ऑन माय हाइलाइटिंग पॉइंट इस तरीके से इसको लगा के मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया अब मैं कर रही हूँ कंट्रोलिंग तो मैंने अपने चीक बोन्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है देखिए अभी ये हार्श लाइन दिख रही है आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये लाइन पड़ी हुई है लेकिन आप अच्छे से इसको जब ब्लेंड करेंगे दोनों साइड दोनों गालों पर मैंने लगा लिया है थोड़ा सा माथे पर लगा लिया है ये देखिए अच्छे से जब आप इसको ब्लेंड करेंगे तो बिल्कुल आपके स्किन के साथ ब्लेंड हो जाएगा और इतना अच्छा सा कट स्कल जो स्कल्प लुक आता है बहुत प्यारा लुक आता है ये देखिए अब मैं नोज़ की कॉन्टोरिंग कर ले रही हूँ बहुत अच्छे से मैं नोज़ की कॉन्टोरिंग करूँगी अब मैं इन सबको कर लूँगी पाउडर से सेट देखिए और अपने जो मेरे एप्पल ऑफ द चिक्स हैं उन पे मैं लगा रही हूँ ब्लश थोड़ा सा मैं नोज़ पे भी ब्लश लगाऊँगी वो थोड़ा सा एक फ्रेशन अप लुक देता है गर्मी के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने पीची कलर का यहाँ पे वो लगाया था ब्लश अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ बहुत लाइट बहुत लाइट क्योंकि गर्मी है तो चमक अच्छी नहीं लगती है मैट ही अच्छी से अच्छी लगती है तो बहुत हल्का सा एक हाइलाइटिंग पॉइंट मैंने लगा लिया है हाइलाइटर फिक्स मेकअप फिक्सर लगाने के बाद अपनी ज्वेलरी पहनने के बाद ये है मेरा लुक अच्छा लगे तो प्लीज